हेलो एवरीवन, वेलकम इन भारत एजुकेशन। तो गाइस, आज का वीडियो मैं बीई के स्टूडेंट्स के लिए लेके आया हूँ, मैकेनिकल के जो सेवन सेमेस्टर में है। तो उनको बताऊंगा गाइस, कौन से सब्जेक्ट से उनको और कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सा टेक्स्ट बुक आपको रेफर करना है। ओके, तो गाइस पहले मैं सब्जेक्ट बता दूं आपको सेवन सेमेस्टर में कौन से है। तो MD2 गाइस मशीन डिजाइन 2, देन PPC प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल, कैड कैम, और गाइस इसको और एक है CAE करके भी बोलते हैं। ओके, थर्ड है गाइस, और हाँ गाइस ये आपके तीन सब्जेक्ट्स कंपलसरी है, और बाद में गाइस आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट्स, दो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स लेना है आपको। अभी गाइस पहले तीन सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा। MD2 के लिए गाइस आपको यूज करना है भंडारी का बुक। ओके गाइस, भंडारी का एक टेक्स्ट बुक अच्छे से इसमें सब दिया है, सब सिलेबस कवर कराया है। उसके बाद गाइस PPC के लिए गाइस टेकमैक्स अवेलेबल है गाइस, बट मेरा सजेशन रहेगा कि टेकमैक्स मत यूज करो, उसमें न्यूमेरिकल अच्छे से कवर नहीं करा है। तो गाइस PPC के लिए आप सिंपल रेफर करो नंदू पब्लिकेशन। ओके गाइस, थ्योरी भी है बट न्यूमेरिकल गाइस इतने अच्छे से दिया है ना, वहां पर बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेनेशन है। ओके, तो थर्ड सब्जेक्ट है गाइस कैड कैम, उसके लिए गाइस मैं सीधा बोलूंगा आपको टेकमैक्स यूज करो। ओके, बिकॉज इसमें न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से कवर करा है, और टेकमैक्स का न्यू एडिशन आया है दैट इज टेक नॉलेज, तो आपको टेक नॉलेज के फॉर्म में भी गाइस बुक अवेलेबल है। ओके, तो आप कोई भी ले सकते हो, टेकमैक्स में अभी टेक नॉलेज सिलेबस वही है। ओके, सिर्फ टेकमैक्स का न्यू एडिशन है टेक नॉलेज। उसके बाद आते हैं गाइस इलेक्टिव सब्जेक्ट के लिए। तो गाइस इलेक्टिव सब्जेक्ट आपको टोटल दो सब्जेक्ट चूज करना है, एक डिपार्टमेंट लेवल के लिए और एक इंस्टीट्यूट लेवल के लिए। तो अभी गाइस पहले मैं इलेक्टिव सब्जेक्ट बताऊंगा, एक तो ऑटोमोबाइल है, वाइब्रेशन है, और एक कंप्रेसर वाला भी और एक सब्जेक्ट है, बट गाइस इधर तक कोई जाएगा नहीं, तो सीधा ऑटोमोबाइल वाइब्रेशन। मुझे पता है गाइस 101% सब स्टूडेंट्स एक ही सब्जेक्ट चूज करेंगे ऑटोमोबाइल। ओके, बिकॉज डॉम में आप लोगों ने वाइब्रेशन पढ़ा है, और वाइब्रेशन पढ़ने से आपको पता चल चुका है कि कैसा सब्जेक्ट है वो। तो सब लोग गाइस ऑटोमोबाइल रेफर करेंगे, और ऑटोमोबाइल के लिए गाइस आपको बुक्स यूज करना है टेकमैक्स का। बहुत बढ़िया तरीके से गाइस एक्सप्लेनेशन विद डायग्राम दिया है एकदम प्रॉपर, किधर भी दूसरा बुक लेने की जरूरत नहीं ऑटोमोबाइल के लिए। उसके बाद गाइस ये हो गया आपका पहला इलेक्टिव सब्जेक्ट। दूसरा इलेक्टिव सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा गाइस OR। ओके, ऑपरेशनल रिसर्च, PLM प्रोडक्ट लाइफ मैनेजमेंट, और DM डिजास्टर मैनेजमेंट। तो गाइस अभी तक ना मैक्सिमम कॉलेज में देखा है मैंने, मुंबई यूनिवर्सिटी के सिर्फ और सिर्फ दो ही सब्जेक्ट अवेलेबल है, और 80% कॉलेज में तो OR ही बोल रहे गाइस। ओके, बट अभी मेरा सजेशन रहेगा गाइस जिसका न्यूमेरिकल स्ट्रांग है वो लोग रेफर करेगा OR के लिए, जिसका न्यूमेरिकल स्ट्रांग है, बिकॉज गाइस OR में पूरा न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 1 को छोड़ के। ओके, थ्योरी दिखेगा ही नहीं आपको, सब न्यूमेरिकल से। अभी जिसका थ्योरी स्ट्रांग है ना गाइस वो जाएगा PLM के लिए, पूरा थ्योरी सब्जेक्ट है, किधर भी न्यूमेरिकल नहीं मिलेगा आपको। तो आपका स्ट्रेंथ देखो, अभी आपका न्यूमेरिकल स्ट्रांग है तो OR के लिए जाओ, अगर आपका थ्योरी स्ट्रांग है तो आप PLM के लिए जाओ। और डिजास्टर मैनेजमेंट भी गाइस पूरा थ्योरी सब्जेक्ट है, बट डिजास्टर मैनेजमेंट ज्यादातर अवेलेबल नहीं है बाकी कॉलेजेस में। तो आपको गाइस देखो, अभी आपके स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा लेना है, न्यूमेरिकल स्ट्रांग है तो OR, और PLM थ्योरी स्ट्रांग है तो PLM। अभी गाइस OR का प्रॉपर एक टेकमैक्स का बुक अभी मार्केट में आ चुका है। ओके, अभी ये इस साल आया है, लास्ट ईयर तक नहीं अवेलेबल था। और गाइस PLM के लिए अभी भी मार्केट में टेकमैक्स या फिर टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है, तो गाइस आपको इसके नोट्स रेफर करने हैं। ओके, आप जाओ गाइस यहाँ पर कोई भी बुक डेपो में इंजीनियरिंग के, वहां पर उनको बोलो PLM के नोट्स है क्या, तो आपको वो नोट्स दे देंगे गाइस। ओके, तो है गाइस पूरा सेवन सेमेस्टर का सब्जेक्ट, और आपको कौन सा सब्जेक्ट चूज कर रहा है आपके ऊपर डिपेंड है। न्यूमेरिकल स्ट्रांग है तो OR, अगर आपकी थ्योरी स्ट्रांग है तो PLM। ओके गाइस, और अगर आपको, और मैं गाइस सेवन सेमेस्टर के ऊपर जो अनदर सब्जेक्ट है उसके ऊपर इम्पोर्टेंट टॉपिक में लेकर आऊंगा अपने चैनल पे। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस।